मामा, ये आपका वीजा, पासपोर्ट और टिकट्स। थैंक यू बेटा। लोलू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हारा मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये लो। ये क्या है? ये चिट्ठी है मेरे किटी के दोस्तों के लिए। ये उन सबके सामने खोलना। क्यों? इसका जवाब तुम्हें उसी दिन मिल जाएगा। ध्यान रहे, जब सब साथ में हो तभी खोलना। ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास। ये तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए रख छोड़ा था। ये मेरी मां ने मेरे लिए बनवाया था? हाँ बेटा, मैंने आज तक तुम्हें इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें वो बनाऊं जो मैं बनाना चाहती थी। लेकिन अब तुम और विकी एक हो रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि इस माँ से तो तुम्हें मुसीबतों के अलावा कुछ नहीं मिला बेटा। मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई भी निशानी तुम्हारे साथ ना हो। लेकिन अगर आपने इसे संभाल के नहीं रखा होता तो शायद ये मुझे कभी नहीं मिल पाता। थैंक यू। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए आज तक जो कुछ भी किया, तुमने सूद समेत मुझे वापस लौटा दिया। और सुनो, अगर तुम्हारे बच्चे अपनी नानी के बारे में पूछे ना तो उन्हें अपनी असली नानी के बारे में बताना। इस श्रूट चालाक औरत के बारे में कुछ भी मत बताना प्लीज। नहीं मामा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। अगर वो पूछे कि मैं कौन थी तो कह देना तुम्हारे पापा ने एक पगली औरत को घर में लाकर रखा था, मैं नहीं चाहती कि मेरी परछाई भी उन पर पड़े। अपना ख्याल रखो। बाय।